थैंक यू फॉर कमिंग बैक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को रबीउल अव्वल का जन्म मुबारक। इस महीने में आप सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ लाए और ये महीना हमारे लिए ईद के बराबर है। तो आज मैंने अपनी मम्मा से फरमाइश की है कि मुझे आज खजूर के बिस्किट बना के दिखाएं, और मुझे वो बहुत पसंद है खजूर के बिस्किट, जिसकी वजह से मैं आज इधर ब्लॉग बनाने के लिए बैठा हूँ। वो मम्मा ने टुकड़ियाँ निकाल के खजूर रखी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिस्किट जैसा कि आप देख सकते हैं, और बटर जो मम्मा गर्म कर रही थी अभी, तो जब तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेल्ट होके डेट्स इस तरह मिक्स हो गई हैं आपस में, और वो मेरी बिस्किट का चूरा जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये गरम होके कुछ इस तरह, और ये मम्मा ने आज कोरमा बनाया था जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त था। और जब आप नई शेप तैयार होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दही पकौड़ियाँ भी बनाई थी मम्मा ने, ये देखें। और ये मेरा छोटा पेट अंदर बैठा हुआ है, अभी बड़े दिनों बाद ब्लॉग में आया है, ये नज़र भी नहीं आ रहा, ये बैठा हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल। और हमारी एक चिड़िया की डेथ हो गई थी, तो बाबा दोबारा दो चिड़ियाँ ले आए हैं, नहीं ये दोनों जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम अपने खजूरों के बिस्किट को हतमी शक्ल दे रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मम्मा अब कैसे इसको शेप देती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रे और वो पड़ा हुआ चूड़ा, ये देखें। तो ये देखिए, और अब ये देखें चूरा इसमें मम्मा डाल रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें। वो देख, ये इसके ऊपर कर रही हैं। अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये मैं किसी को नहीं देता, मैं अपनी मम्मा को भी नहीं देता जो इतनी मेहनत करके बनाती हैं। तो अब जब तैयार होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतना गर्म है कि मेरी मम्मा के हाथ भी जल रहे हैं थोड़े थोड़े, और वो मुझसे इतना प्यार करती हैं कि मेरी फरमाइश पर बना रही हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी तक बिस्किट हो गए हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म अभी तक नहीं हुई तैयार, तो जैसे ही होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मम्मा ने एक शेप तैयार कर ली है, तो जब इसमें से मम्मा कटिंग करेंगी और इसमें से इतने ढेर सारे बिस्किट निकलेंगे, फिर हम उसको फ्रीज करेंगे, उसके बाद मज़े मज़े से खाएँगे। तो जब कटेंगे हाफ होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मम्मा इसको शेप देने के लिए तैयार हैं बिस्किट्स को। तो ये देख सकते हैं आप कैसे इसको रोल कर रही हैं मम्मा, और ये अभी दोबारा करेंगी जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी देखेंगे ये जो इस तरह हुआ इसी तरह ये होगा, ये देखें रोल हो गया थोड़ा बहुत।
इसमें से मैं चंद बिस्किट आपको दिखाऊंगा बनते हुए। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मम्मा ने ये शेप तैयार कर ली है, तो अब ये जाएंगे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रीज़र में मम्मा डाल रही हैं, तो ये कुछ हार्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद मम्मा इसमें से बिस्किट करेंगी, फिर वो मेरे जाएंगे मुँह में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रीज़र में। तो अब जैसा कि जब ये हार्ड होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये हार्ड हो चुकी हैं, अभी हम इसको फ्रीज़र से बाहर निकाल रहे हैं। तो अब मम्मा इसको बिस्किट की शेप देंगी छोटे छोटे, अभी देखिए आप लोग कैसे बनेंगे इस तरह, ये देखिए। और इसी शेप में आपने कटिंग करनी है, इसमें डालेंगी मम्मा अभी, और फिर ये जाएंगे मेरे मुँह में, मैं खाऊंगा इनको मज़े मज़े से। ये देखिए बहुत रिच होते हैं ये, अगर नाश्ते में एक दो खा लें तो बस आपका पेट भर जाता है। आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है। एम सीक्रेट। तो फ्रेंड्स ये था एम सीक्रेट का सीक्रेट। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में, और इंतज़ार करें कि आपकी मम्मा आपको ये रेसिपी कब बना के देती हैं। तो अब मैं इनमें से एक उठा के अपने मुंह में डालूँगा। बहुत मज़ेदार है, ये मुँह में ही घुल रहा है, और दो मिनट रहे ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में। तो आने वाले दिनों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें। और रबीउल अव्वल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह हाफिज़।